गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, टेक द करेक्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, किस प्रोसेस में नया सब्सटेंस बन रहा है? इवेपोरेशन में सेम, सब्लिमेशन में सेम, मेल्टिंग में सेम रहता है, रस्टिंग इज दैट। इन गैल्वेनाइजेशन आयरन ऑब्जेक्ट आर कोटेड विद, गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग की जाती है? जिंक का। टेम्पोरेरी एंड रिवर्सिबल चेंजेस आर जनरली, टेम्पोरेरी और इरिवर्सिबल चेंजेस वो कौन से होते हैं? दैट आर फिजिकल चेंजेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज, फोर्थ क्वेश्चन, केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? हैमरिंग ऑफ मेटल, मेटल को जब आप हैमरिंग करते हैं तो उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजिंग आ जाती है, लेकिन केमिकली वो चेंज नहीं होता है। ओके, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ लाइट टू फॉर्म वाइट पाउडर। ओके, वाइट कलर में ये जलता है। नाउ सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन द एयर। ओके, जब मैग्नीशियम रिबन एयर में जलता है तो क्या बनता है? दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, अ फिजिकल चेंज कैन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। जब आइस मेल्टिंग कर रहा है तो उस समय कौन सी चेंजिंग हो रही है? दैट इज योर फिजिकल चेंज। वी कैन चेंज वाटर इनटू आइस बाय फ्रीजिंग, फ्रीजिंग करके हम आइस को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, रस्टिंग टेक्स मेक्स द आयरन ऑब्जेक्ट वीक। ओके, रस्टिंग से क्या हो जाता है? आयरन ऑब्जेक्ट कमज़ोर हो जाते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, क्रिस्टल आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस विद अ डेफिनिट जियोमेट्रिकल शेप। ये आपने क्रिस्टल का जो डेफिनेशन है यही है। ओके, नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन गिव टू एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज का दो एग्जांपल आपको बताना है। फर्स्ट दैट इज योर मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। ओके, रबर बैंड को स्ट्रेच करने को भी हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर फिजिकल चेंज। व्हाट हैपेंड व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को डिजॉल्व किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, क्या होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ओके, तब क्या हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाती है। ओके, नाउ व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आपका क्वेश्चन है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। द प्रोसेस बाय विच वन आर मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड कंपोजिशन फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस चेंज इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स में कौन सा चेंज हो रहा है? दैट इज योर फिजिकल चेंज। नेम द प्रोडक्ट फ्रॉम फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स कॉपर एंड आयरन सल्फेट। क्या बनता है? कॉपर एंड आयरन सल्फेट। नाउ सिक्स क्वेश्चन, डज चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। ओके, केमिकल चेंज के दौरान डज चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी क्या केमिकल प्रॉपर्टी में भी केमिकल चेंज में चेंजिंग हो जाता है? ओके, यस, केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के दौरान
केमिकल प्रॉपर्टी में भी परिवर्तन आ जाता है। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। आइए देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। ओके, क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल हैविंग डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप। ओके, क्रिस्टलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम प्योर सॉलिड क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं जिसका एक डेफिनेट जियोमेट्रिकल शेप होता है। ओके, देन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपको कंप्लीट करना था। 2Mg+O2 दैट इज इक्वल टू ट्वाइस MgO। ओके, बी MgO+H2O दैट इज MgOH ट्वाइस। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मीन्ट बाय द रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को का क्या मतलब होता है। आयरन ऑब्जेक्ट्स लाइक आयरन नेल्स, रेलिंग्स एट्सेट्रा व्हेन आर केप्ट इन मॉइस्ट एयर फॉर फ्यू डेज गेट कवर्ड विद ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, जब हम आयरन के सब्सटेंस ऑब्जेक्ट्स को जैसे आयरन नेल्स या रेलिंग हुआ उसको हम अगर मॉइस्ट एयर में ओपन उसको रख देते हैं तो उस पर ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस उस पर लग जाता है, क्रिएट हो जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम रस्टिंग कहते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स कंसीडर्ड, व्हाई एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर कंसीडर्ड एज अ केमिकल चेंज। ओके, इसको हम केमिकल चेंज क्यों कहते हैं कि जब पटाखे जो फूटते हैं उसको हम केमिकल चेंज क्यों कहते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर इज कंसीडर्ड अ केमिकल चेंज बिकॉज ड्यूरिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ओके, हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस आर प्रोड्यूस्ड। उस दौरान क्या हो जाता है, हीट, लाइट और गैसेस ये प्रोड्यूस होती हैं। इसके साथ साथ हम उसे क्रैकर्स को फटने के बाद हम फिर से क्रैकर्स उसका कलेक्शन करके नहीं बना सकते हैं। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, गिव टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के दो कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज साइज, शेप एंड कलर एंड स्टेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ओके, अ फिजिकल चेंज इज रिवर्सिबल। ओके, फिजिकल चेंज जनरली वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। ओके, ओवरऑल उसमें ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेंस द सेम। और केमिकल सब्सटेंस जो होता है वो वैसे उसी प्रकार से ही वो रह जाता है। ओके, नाउ ई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आइए हम देखते हैं जिसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिफाइन फिजिकल चेंज, व्हाई इज मेल्टिंग ऑफ आइस कंसीडर्ड अ फिजिकल चेंज। ओके, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज गेट चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंसेज फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ओके, केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होना और कोई न्यू सब्सटेंस ना बनना इसे हम फिजिकल चेंज बोलते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस डज नॉट फॉर्म एनी न्यू सब्सटेंस। ओके, आइस एंड वाटर बोथ हैव सेम केमिकल कंपोजिशन। ओके, इसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं होता है। ओनली चेंज इज द फिजिकल स्टेट दैट टेक्स प्लेस द प्रोसेस। ओके, केवल क्या परिवर्तन होता है, वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। दस द मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज एंड नॉट अ केमिकल चेंज। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आइस का मेल्ट होना यह फिजिकल चेंज है, केमिकल नहीं है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज दैट राम एंड रहीम आर द बेस्ट फ्रेंड। रहीम गोज़ टू राम्स हाउस टू सेलिब्रेट दिवाली। बोथ आर बर्स्टिंग क्रैकर्स। सडनली अ स्पार्क फॉल्स ऑन रहीम्स आर्म। राम इमीडिएटली वॉशेस रहीम्स हैंड एंड अप्लाइज अ क्रीम फॉर बर्न्स। ओके, राम रहीम दोनों क्या हैं, एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं और दिवाली मनाने के लिए जो राम है वो रहीम के घर
राम जाता है। ओके, अचानक क्रैकर्स फटने से स्पार्कल्स उसके ऊपर गिरते हैं और स्पार्क गिरने के कारण क्या हो जाता है, वह जल जाता है। अब उसके बाद उसने क्या किया, उसके ऊपर क्या अप्लाई करता है कि उसने क्रीम लगाया। ओके, अब आइए इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन बन रहा है, विच टाइप ऑफ चेंज इज बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, यानी पटाखों का जलना क्या है। बस्टिंग ऑफ क्रैकर इज अ केमिकल चेंज, वेरी गुड, क्लियरली। देन डू यू थिंक बस्टिंग क्रैकर इज गुड फॉर आवर इन्वायरमेंट, क्या यह पटाखे जलाना हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। नो, इट्स नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, राइट। विच वैल्यू इज शोन बाय राम हियर, राम ने कौन सी अपनी वैल्यू को शो किया है, फ्रेंडशिप, रिलीजियस हारमोनी एंड केयर फॉर फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर केयर फॉर फ्रेंड्स और रिलीजियस हारमोनी एंड फ्रेंडशिप को शो किया गया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द केमिकल चेंज, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होता है उसका दो एग्जाम्पल देना है। अ केमिकल चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस विच इंटरनली डिफरेंट एंड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी फ्राम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में जो नया नया जो सब्सटेंस बनता है उसका कम्प्लीटली केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टी ओरिजिनल सब्सटेंस से अलग होती है। ओके, एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स एंड डाइजेशन ऑफ फूड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन जिसका ए है, वाई डज द कट सरफेस ऑफ एन एप्पल टर्न्स ब्राउन इन कलर व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर सम टाइम। ओके, अगर हम फल को एप्पल को कटा हुआ रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है, वो ब्राउन क्यों हो जाता है। व्हेन वी कट एन एप्पल एंड कीप इट इन ओपन फॉर सम टाइम इट टर्न्स ब्राउन इन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन एसिड प्रेजेंट इन द एप्पल। एसिड जो एप्पल में प्रेजेंट होता है वो रिएक्शन कर लेता है एयर के साथ, इसलिए उसका कलर ब्राउन हो जाता है। ओके, व्हाई इज कटिंग अ पेपर अ फिजिकल चेंज। ओके, पेपर को अगर हम कट करते हैं तो ये फिजिकल चेंज क्यों है। कटिंग ऑफ अ पेपर इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट चेंजेस द साइज एंड शेप ऑफ द पेपर। ओके, उस वो क्या करता है, केवल पेपर के साइज को ही, वह शेप और साइज को ही चेंज कर रहा है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को नहीं चेंज कर रहा है। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, स्टेट टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। ओके, आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि दो आपको कंडीशंस बताने हैं जिसके कारण रस्टिंग होता है और इसके साथ साथ उसका केमिकल इक्वेशन भी लिखना है। टू कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट थिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड प्रेजेंस ऑफ वाटर आर वाटर वेपर। ओके, इसका केमिकल इक्वेशन क्या होता है, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2H2O इक्वल टू 2Fe2O3XH2O। ओके, वेयर एक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एक्स क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल की संख्या है। नाउ लार्ज आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल और केमिकल चेंजेस में क्या अंतर होता है। न्यू सब्सटेंस फिजिकल चेंज में देयर इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बट इन केमिकल चेंज वन आर मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म। ओके, नेचर ऑफ चेंज, फिजिकल चेंज इज टेम्पोरेरी चेंज बट केमिकल चेंज इज परमानेंट चेंज, रिवर्सिबल, इट इज जनरली रिवर्सिबल बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा हम फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज इज इरिवर्सिबल। नाउ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस आर चेंज इन फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में केवल फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होती है, जैसे आइस मेल्ट हुआ तो क्या बन गया, वो सॉलिड से लिक्विड बन गया। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ सब्सटेंसेस आर चेंज, यहाँ पर दोनों प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, जनरली देयर इज नो ओवरऑल चेंज इन एनर्जी, यानी फिजिकल चेंज में एनर्जी का कोई विशेष चेंजिंग नहीं होता है, बट इन केमिकल चेंज एनर्जी टेक्स प्लेस एज अ फॉर्म एज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। इसमें या तो बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी बनती है या तो वो एब्जॉर्ब की जाती है। नाउ
सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल यू प्रिपेयर क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर आपको बताना है कि आप कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे बनाएंगे। टू प्रिपेयर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो कैसे बनता है, क्रिस्टलाइजेशन मेथड द्वारा। थिंग्स वी नीडेड, हमको क्या क्या चाहिए, अ बीकर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ट्राइपॉड स्टैंड, बंसिन बर्नर, चाइना डिश, अ स्टायरर, फिल्टर पेपर एंड कॉपर सल्फेट पाउडर। मेथड टेक, अब ये सब तो आपको रिक्वायर्ड मटेरियल चाहिए होता है। अब आइए मेथड के बारे में जानते हैं। टेक अबाउट 100 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, पुट द बीकर ऑन ट्राइपॉड स्टैंड एंड हीट इट विद द हेल्प ऑफ बंसिन बर्नर। ओके, आप 100 ml वाटर लीजिए, उसको बीकर में लीजिए और उसके बाद उसमें कुछ बूंदें, दो चार बूंदें आपको किसकी मिलानी है, सल्फ्यूरिक एसिड की। फिर उसको ट्राइपॉड स्टैंड पर रख करके उसको बंसिन बर्नर की मदद से हीट कीजिए, गर्म कीजिए। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग, ऐड कॉपर सल्फेट वाइल स्टायरिंग कंटिन्यूअसली विद द हेल्प ऑफ स्टायरर। अब आप जब वो बॉयल करने लगता है वाटर, देन आप कॉपर सल्फेट को धीरे धीरे स्टायरर की मदद से मिलाते रहिए। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। ओके, तब तक आप उसमें पाउडर मिलाते रहिए कॉपर सल्फेट का, जब तक उसमें और अधिक नहीं मिलाया जा सके। फिल्टर द ऑब्टेंड सॉल्यूशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन अ चाइना डिश। अब क्या करिए, उसको फिल्टर कर लीजिए, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसे अलग कर दीजिए। अलाउ द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कूल स्लोली, लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर्स। अब क्या करिए, अब उसको ठंडा होने दीजिए, 24 घंटे के लिए उसको छोड़ दीजिए। वैसे ही ऑब्जर्वेशन, अब आइए ऑब्जर्वेशन में क्या आपको मिलता है। वी ऑब्जर्व ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन चाइना डिश आफ्टर 24 आवर्स, सेपरेट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय द डिकेंटेशन एंड ड्राई द क्रिस्टल बाय कीपिंग देम बिटवीन द फिल्टर पेपर। ओके, अब उसको क्या कर लीजिए, क्रिस्टल को अलग कर लीजिए और उसको फिल्टर पेपर की मदद से उसको अलग कर लीजिए। व्हेन वी ऑब्टेन प्योर लार्ज क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन मेथड के द्वारा हमने क्या प्राप्त किया, आपको प्योर कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल मिल गया। ओके, नाउ हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट जय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग कॉइन्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। वन डे ही ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ सिल्वर एंड कॉपर कॉइन हैज चेंज्ड, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। हाँ, जय बहुत ही शौकीन है सिक्कों को क्या करने का, डिफरेंट मेटल्स के सिक्कों को कलेक्ट करने का। लेकिन एक दिन उसने ये ऑब्जर्व किया कि सिल्वर और कॉपर के कॉइन का कलर चेंज हो गया है, तो आपको बताना है कि इसका कारण क्या है। सिल्वर ऑफ कलर ऑफ सिल्वर कॉइन चेंज बिकॉज सिल्वर गेट ऑक्सीडाइज इंटू सिल्वर ऑक्साइड। ओके, ये ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन करके ये सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। कॉपर ऑक्साइड इज कलरलेस बिकॉज केमिकल रिएक्शन ऑकर्स एंड इट चेंजेस टू ग्रीन कलर्ड कॉपर कार्बोनेट। अब इसके बाद ये केमिकल रिएक्शन के बाद कॉपर चेंज होकर के क्या बना लेता है, ये रिएक्शन करके ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर एंड सिल्वर आर हाईली रिएक्टिव। ओके, ये हाईली रिएक्टिव है, इसके कारण ऐसा देखने को जय को मिला। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर देन द कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट गिव रीजन। ओके, कोस्टल एरिया में रस्टिंग सबसे अधिक होता है डेजर्ट एरिया की तुलना में। ओके, इसका रीजन क्या है, रस्टिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट बिकॉज द एयर इन कोस्टल एरिया इज रिच इन मॉइस्चर। ओके, मॉइस्चर होने पर बहुत तेज़ी से यह प्रक्रिया होती है, वाइल द एयर इन डेजर्ट इज ड्राई। जबकि अगर डेजर्ट के एयर की बात करें तो वो ड्राई होता है, इसलिए वहाँ पर यह प्रक्रिया स्लो होती है या तो नहीं होती है। ओके, काफ़ी स्लो हो जाती है वहाँ पे प्रोसेस। नाउ एच क्वेश्चन, दैट इज प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड क्वेश्चन। नेहा ड्रॉप्ड एन आयरन नेल इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। नेहा ने कॉपर सल्फेट में
के सॉल्यूशन में उसने आयरन नेल डाला. व्हाट कलर चेंज सी वुड हैव ऑब्जर्व्ड आफ्टर सम टाइम, उसको कौन सा कलर देखने को मिलेगा. इज अ फिजिकल चेंज आर अ केमिकल चेंज गिव रीजन, यह फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है. द ग्रीन कलर इज ऑब्जर्व्ड एज कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयरन टू फॉर्म आयरन सल्फेट. ओके, आयरन अब आपको ग्रीन कलर दिखाई देगा क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन सल्फेट बना लेता है और यह परमानेंट होता है, इसलिए यह आपका क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.